राहुल और स्मृति के बीच होगा चुनावी संग्राम। अमेठी की जनता का दिल जीत पाएंगे राहुल? 2019 की हार का बदला ईरानी से लेगी कांग्रेस। राहुल नहीं हुए तैयार तो सोनिया भेजेंगी अपना खास। अमेठी को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए उतरने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी को राजी कर लिया गया है, बस अमेठी सीट पर आधिकारिक रूप से मोहर लगनी बाकी। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से भी ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में अगर राहुल ने रायबरेली से ताल ठोकी तो अमेठी में सोनिया गांधी अपने खास को मैदान में उतार सकती हैं। शायद इसी को समय कहते हैं। जिन सीटों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, वहां सिर्फ एक हार ने कांग्रेस से उसकी जमीन छीन ली है। कई दिनों से अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी है। अमेठी में स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को चैलेंज करती हुई दिखती है। इसके बावजूद राहुल और कांग्रेस ने चुप्पी साधी रखी है, लेकिन अमेठी सीट पर अगर राहुल खड़े होते हैं तो राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वे अमेठी या फिर रायबरेली से लड़ेंगे और जीत जाते हैं तो कोई एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इसी दुविधा की वजह से कई दिनों से किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। वैसे अमेठी में कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अमेठी की राह आसान नहीं होने वाली है। वहीं अगर राहुल गांधी नहीं माने तो सोनिया गांधी केएल शर्मा को उम्मीदवार बना सकती हैं। केएल शर्मा का पूरा नाम किशोर लाल शर्मा है और वो गांधी परिवार के बेहद खास लोगों में से एक हैं। साल 2022 में उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के समय में एक बयान दिया था, आज जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कभी कांग्रेस ने ही तैयार किया था। जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर रायबरेली से चुनाव न लड़ने का अपना फैसला जनता को बताया था तो उस समय भी केएल शर्मा ही उनका रुख स्पष्ट करने के लिए मीडिया के बीच आए थे। अगर अमेठी में गांधी परिवार से इतर कोई खड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद इस सीट से अमेठी से गांधी परिवार के बाहर के सदस्य सतीश शर्मा को चुनाव लड़ाया गया था और वो जीत भी गए थे। ऐसे में साल 1998 में सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। साल 2004 में राहुल गांधी ने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। राहुल को पहले ही चुनाव में जीत हासिल हुई थी। साल 2019 तक राहुल यहां से सांसद थे, लेकिन साल 2019 में राहुल को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से हरा दिया था। ऐसे में अमेठी गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। अब देखना होगा कि राहुल या फिर कोई और अमेठी के रण में कौन कांग्रेस की ओर से दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।